का जनाजा उठ गया पाकिस्तान की क्रिकेट का आज। वो भी अफगानियों ने आपके मुंह के ऊपर आ गए ना, चुपेड़े मारी आपके मुंह के ऊपर, वो मूत के गए आपके मुंह के ऊपर, उन्होंने आपको आपकी औकात याद करवाया कि आप एक लंती मुल्क हो और आपको क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आती। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को शारजा में जलील कर दिया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी टीम को औकात दिखा दिया है कि तुम्हारी औकात सिर्फ तुम्हारी औकात रावलपिंडी स्टेडियम में खेलने वाली है। और भिखारियों कैसा दिया पेंटा पीएसएल टैलेंट को अफगानिस्तान वालों ने पुश कर दिया भाई। ये सीरीज हारना किसी जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप से हारना कम नहीं है, ये सीरीज बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिफीट है, बहुत बड़ी। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से मैच हारेगी, मैच क्या यहाँ पे सीरीज हार गया। अफगान फैन जो है उन्होंने मुझे खेल लिया और मेरे ऊपर हूट किया, मुझे परेशान किया, बाहर गाड़ियों के अंदर उन्होंने सारा नारा लगाया, अल्लाह माफ कर, इतने तो इंडिया जीत के भी पाकिस्तान से नारे नहीं लगाता। 3-0 के लिए तैयार रहो, 2-0 नहीं 3-0, ये 2-0 भी हिस्ट्री क्रिएट किया अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान ने आपको आपकी औकात याद करवाया कि आप हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। किनारे पे खड़े हुए हम लोग के बस डूबने के बिल्कुल करीब है और बाकी डूब चुके हैं हम लोग। पाकिस्तानियों सूजी है बर्नोल बेजू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। जो टीम जिम्बाब्वे से नहीं जीत पा रही थी उसको अफगानिस्तान ने बता दिया कि भाई तू तो जिम्बाब्वे से नहीं जीत पा रहा था तो हम तो वैसे भी तुम्हारे इंडिया के बाद तुम्हारे बाप है तो इससे तू हमसे कैसे जीत लेता है। तो पाकिस्तान को उसकी अपनी औकात याद दिला दी है जो अफगानिस्तान ने और कुत्तों की तरह धोया है और सीरीज भी जीत लिया है, ये जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान एक मतलब सीरीज जीतना पाकिस्तान के खिलाफ और ये उनकी पहली T20 सीरीज जीतना है, एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के खिलाफ। और देखा जाए तो मतलब जिस तरह से अफगानिस्तान ने कल फाइट किया बहुत ही कमाल का मैच कल था और आखिरी मोमेंट तक अफगानिस्तान ने फाइट करके ये मैच जीत गया और पाकिस्तान को जिस तरह से हराया ना भाई दिल को सुकून मिल गया और दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतने दिनों बाद लगातार पाकिस्तान को हारते हुए देखना और मतलब क्या ही चाहिए, मतलब अच्छे दिन आ ही गए मुझे लग रहा है। पाकिस्तान के तो बुरे दिन चल ही रहे, मुल्क में आटा नहीं है और बाहर उनकी फेंटी लगाई जा रही है। तो दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से गुस्सा है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो की एंड पर। ये जो लांती बकवास कर रहे थे ना बैठ के कि अफगानिस्तान को पेल देगी ये यंग टीम है, ये पीएसएल का जो टैलेंट है ये बड़ा तबाही मचा देगा, ये कर देगा, एल किया इन्होंने, एल अफगानिस्तान से ये T20 सीरीज हार गया, पहला T20 भी हार गया, दूसरा T20 भी हारे हैं और अल्लाह पाक की कसम ये जिस तरह हारे हैं ना, लानत है इनकी शक्लों के ऊपर। मेरा दिमाग फट रहा है इस टाइम, मुझे समझ नहीं आ रही करूं क्या यार, कोई बगाड़ती की हद होती है यार, कब जीतना है आपने यार, कब जीतना है आपसे आपने। वो घंटा कंजर बकरी बाबर आजम बिठाया हुआ पीछे, वो हार रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, इंग्लैंड से हार रहा है यार, अब यार जिम्बाब्वे से जीत जाओ उनसे भी हार जाते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लो उनसे भी हार जाएंगे यार, जीतना किससे है, कौन सी टीम बची हुई है जिससे जीत जाओगे, कब किससे जीतना है यही बता दो, नहीं किससे जीतना है, कौन सी टीम ला दें आपको जिससे आप जीत जाओगे यार, कब क्या करें आपके साथ, पांव पड़ जाए आपके, पांव पड़ जाए तो जीत जाओगे, क्या करें, दिल से दुख हुआ है आप तो यार, दिमाग फट रहा है मेरा, मतलब यार वो घंटा था पहले कप्तान, ऑस्ट्रेलिया से घर में आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, अब ये पीएसएल का टैलेंट, ये नजर आ गया सबको पीएसएल का टैलेंट, ये है पीएसएल, ये जो 8 साल से पीएसएल करवा रहे हैं ना, ये पीएसएल हो रही है, ये टैलेंट निकल रहा है पीएसएल से, पहली से पता ही नहीं करना कि ये लॉजिक ही नहीं है इनके कंजू के दिमाग के अंदर के, करना क्या है, बॉलिंग क्या करनी है, आउट क्या करना है, कप्तानी क्या है, रन क्या करने हैं, वो अफगानिस्तान वाले ले गए इनसे मैच और इस तरह ले गए इनकी शक्लों के ऊपर, लानत भेज के गए हैं, ये कमीने के बच्चे, जीतना इनको आता नहीं, और यार किस टीम से जीतना है, अब कौन सी टीम ला के दूं जिसे जीत जाओगे, ऑस्ट्रेलिया से आप नहीं जीते, इंडिया से आप नहीं जीते, इंग्लैंड से आप नहीं जीते, बड़ी टीमें हैं ये, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे टफ तक टीमों से कंजर के बच्चे कंजर हारना शुरू हो गए हैं, मतलब बंदा क्या करे इनका भी यार। 130 आपने किया है, पहले आपने 92 किया था वो भी हारियो, अब 130 किया है वो भी, अफगानियों ने आपके मुंह के ऊपर आ गए ना, चुपेड़े मारी आपके मुंह के ऊपर, वो मूत के गए आपके मुंह के ऊपर, उन्होंने आपको आपकी औकात याद करवाया कि आप एक लंती मुल्क हो और आपको क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आती, ये टैलेंट है, मुझे शर्म आ रही है, मैं कह रहे हैं कि ये पीएसएल का टैलेंट हमने भेजा हुआ है, उस टाइम तो बड़ा रोब से भेज दिया ना, पीएसएल का टैलेंट है, अफगानिस्तान की टीम को ये लपेड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लांतियों ने हरवा दिया सीरीज, 2-0 है ना, मैंने भाईजान परसों बोला था 3-0 के लिए तैयार रहो, 2-0 नहीं 3-0, ये 2-0 भी हिस्ट्री क्रिएट किया अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान ने आपको आपकी औकात याद करवाया कि आप हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। और भिखारियों कैसा दिया पेंटा पीएसएल टैलेंट को अफगानिस्तान वालों ने पुश कर दिया भाई। आजम खान सूर्या कुमार यादव जैसा अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त खेलता है, थोड़ा मोटा है लेकिन टैलेंट ज्यादा है उसके अंदर, सूर्या कुमार यादव से कंपेयर कर रहे थे और ये अफगानिस्तान के खिलाफ
T20 सीरीज में सेंचुरी बनाएगा, पुश हो गया साला दो मैच में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा मोटा है, इतनी महंगाई में पाकिस्तान में आटा तो मिलता नहीं, मुझे पक्का यकीन है ये पुराने टायर काटा होगा। आज हिंदुस्तान की जीत और चाइना की हार हुई है। चाइना की इस हार पे मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, शुभ 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 शुभकामनाएं। पीएसएल टैलेंट पुश, पीएसएल टैलेंट सिर्फ चलता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पीएसएल टैलेंट को लेके आओगे ना तो पैकेट में बंद करके लाहौर भेज देंगे। पाकिस्तानियों सूझी है, बर्नोल भेजू। अफगानिस्तान वालों ने हिस्ट्री क्रिएट की तो ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि नानी का टपाटप कर दिया पाकिस्तान की। रिजवान एंड बाबर कान खोल के सुन लो, बच गए तुम लोग। ऐसे ही देखना चाहता हूं तुम लोगों को। दुनिया में कोई देश नहीं रहा जिसने तुम्हें रगड़ा नहीं, शर्म कर लो यार, मैं सीरियस करके बोल रहा हूं, मैं हंस नहीं रहा हूं। जिम्बाब्वे ने ठोक दिया, इंग्लैंड ने ठोक दिया, न्यूजीलैंड ने ठोक दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ठोक दिया, हिंदुस्तान ने ठोक दिया, याद है ना, विराट कोहली 18 बॉलों पे 48 रन, याद है ना, ठोक दिया। अफगानिस्तान ने भी ठोक दिया, क्या हो जाएगा भाई, आदत हो गई आपको। रोता नहीं है मेरे छोटे बच्चे, रोता नहीं है, कोई बात नहीं जिंदगी में। देखो दुनिया में कोई ऐसी तो टीम होनी चाहिए जिसे सब ठोके, वो तुम्हारी टीम है। बड़ा मजा आया, जनाजा उठ गया पाकिस्तान की क्रिकेट का आज। इन्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे, मैं अफगानिस्तान को क्रेडिट दूंगा हिस्टोरिक विन, बट बॉस आई हैव माय डाउट्स। मुझे इन लोगों की इंटेंट पर बड़ा अजीब सा लगा है आज, जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की है, जिस तरह शादाब खान ने अपनी आखिरी तीन गेंदे, ये किससे वादा करके आया हुआ है शादाब के, मैं नहीं जीतूंगा। वादा करके क्या आया भाई, तुम्हें क्या बना था, मैंने इसको किसी से प्रॉमिस करके आया था कि मैं तुझे गिफ्ट लाके दूंगा यहां से भाई पोस्ट का। यार बहुत दिल टूटा, पिंडी के हीरो, पीएसएल के हीरो जो है शारजा के अंदर सारे जीरो हो गए, कितना हमारा दिल टूटा है। हम लाखों रुपए खर्च करके टिकट लेके जाए हैं तीन मैचों के लिए, और आगे समय क्या मिलता है कि अफगानिस्तान से हम हार रहे हैं, और जो उसके फैंस हैं वो जितना हम पे हूट करते हैं, जितना हमको परेशान करते हैं, हमारे कसम से दिल टूटे हैं। देखिए हम जैसे फैंस हम रो पड़ते हैं, हमारा दिल टूट जाता है जब अफगानिस्तान जैसी कमजोर तरीन टीम को हम दुनिया में पहली दफा T20 मैच जीतने का मौका देते हैं, फिर दूसरा भी आ जाते हैं। आप अपनी टीम लेके हैं, अफगान टीम तो कभी कमजोर नहीं रही है। मैं तो वही हैरान हूँ, शेम, पाकिस्तान कितना बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और जीरो पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम दो खिलाड़ियों को आउट करके तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि पिंडी की विकेट और यहाँ की विकेट कितनी कितना डिफरेंस है। अफगान फैन जो है उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर हूट किया, मुझे परेशान किया, बाहर गाड़ियों के अंदर उन्होंने इस तरह नारे लगाया, अल्लाह माफ कर, इतने तो इंडिया जीत के भी पाकिस्तान से नारे नहीं लगा था। मतलब ये मैच तो इधर खत्म हो जाते, सोशल मीडिया पे एक नई जंग चढ़ जाती है और हमको बहुत परेशानी उधर होती है। ग्राउंड में तो हम चले जाते, चलो जो भी है रोल धोल के चले जाते, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे जो ताने जो गालियां जो हमने सुननी पड़ती है, इसीलिए मैनेजमेंट को जिसने भी किया है अल्लाह उससे पूछे। एक रमजान है, ऊपर से बहुत मुश्किल है, उधर अफ्तारी का टाइम होता है, इधर से ग्राउंड में पहुंचो, इतना टाइम दे दो, सबको डिस्टर्ब किया है तीन मैचों ने और फिर भी हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन किनारे पे खड़े हुए हम लोग के बस डूबने के बिल्कुल करीब हैं और बाकी डूब चुके हैं हम लोग। साढ़े को यकीन हो कि मुल्क महंगाई पिछले पे आटे ने बेड़ा गर्क करता साढ़ा, और इतने तुम साढ़ा बेड़ा गर्क करता, साढ़े तो रहम करो, असं उतने भी लुटी के आए, उतु दौड़े कोई अच्छी हल्की बल्कि खुशियां इतने लाँगे, इतने भी साढ़ी आत्मा रोल देती है बस। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया और उनके फैंस के तो हालत ही खराब है, मतलब एक तो पाकिस्तान का तो नाम भिखारिस्तान अब बन ही गया है, उनके पास ना आटा है ना कुछ पैसा बचा है, और उसमें उनके एक ही मतलब एंटरटेनमेंट रहेगा था वो क्रिकेट, और वो क्रिकेट में भी उनकी फेंटी पे फेंटी लग रहा है शोएब अख्तर की जुबान पे हम आ जाए तो। और इसके बाद जिस तरह से कल पाकिस्तान हारी है, मतलब क्या ही कहा जाए, 130 रन बना रहे हैं ये अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसको 130 रन को डिफेंड भी कैसे करेंगे, मतलब अब रन अगर 150 से 60 बनाते तो डिपेंड करते। पहले मैच में तो उनका जनाजा निकाल दिया था 92 रन पे अफगानिस्तान ने, और इसके बाद 130 रन बना के उनको जो ठोक देना, इसके बाद अफगानिस्तान ने अब इंडिया के बाद उनका अगर नया बाप कोई बनाए तो अफगानिस्तान ही बना है, और जिस तरीके से उनको हराए, जिस बेइज्जती करके उनकी इज्जत लूटी है कल अफगानिस्तान ने, क्या ही कहा जाए, मतलब इतनी बुरी हार पाकिस्तान शायद ही कभी मतलब हिस्ट्री में उसको कभी मिला होगा जिस तरह से अफगानिस्तान ने उसको दी है। और इसके बाद पाकिस्तान के सारे फैंस और मीडिया उनकी मुंह चुप बंद हो गई है और कोई बोलने की हालत में नहीं रहे, और सोशल मीडिया में जो इंडियन ने इनकी मजाक बनाए और तरह तरह की ट्विटर पे जो मेल और जो मीम की मटेरियल अब आ रही है,
अब क्या ही कहा जाए, मतलब भरमा रहे मीम पर। और जिस तरह से पाकिस्तान का मजा है उड़ाया जा रहा है, अगर कोई मतलब पाकिस्तान का भला चाहता होगा वो देख के रो लिया होगा कि भाई क्या हो रहा है मुल्क के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिएगा। और पाकिस्तान की सीरीज हार को लेकर आप कितने खुशी हैं और आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं उगता हूँ जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।